हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्टील का होलसेल का जैसे दुकान दिखाने जा रहा हूं, जहां से मैं मटेरियल लेकर के मैं अपने क्लाइंट का जो है कि काम करता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये पीछे यही शॉप है, तो कैमरा घुमा करके मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूं कि यहां पर जैसे कि क्या क्या मटेरियल है और किस तरह से रखे गए हैं और इसका क्या क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर दुकान के सामने पहले तो ये तमाम तरह की डिजाइनें लगी हुई हैं जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और यहीं से दोस्तों मैं जैसे मटेरियल लेकर जाता हूँ और ये दुकान गाजीपुर में है। तो दोस्तों ये देखिए स्टील के होलसेल की दुकान में यहाँ पर तरह तरह की पाइप रखी गई हैं, आप लोग देख रहे हैं। ऊपर जो है कि देखिए वहाँ पर डिजाइन है, फिर इसमें चौकोर पाइप है, गोल पाइप है, और इसमें जैसे कि कई तरह की पाइप है, जैसे कि आपका जैसे 1.5 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3-3 इंची तक के पाइप हैं, जिसमें गोल भी है और आपका चौकोर भी है। तो दोस्तों ये देखिए ये जैसे 2 इंची का पाइप है गोल, इसके बाद देखिए ये चौकोर पाइप है, ये स्टील का पाइप है। दोस्तों इसमें 202 और 304 दोनों क्वालिटी शामिल है। शहर में जैसे गाजीपुर में ज़्यादा तो 202 304 चलते हैं, मतलब छोटे मोटे शहरों में, तो यहाँ पर ये है। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टील का एक डिजाइनदार मतलब कि ये चादर है जो कि स्टील का गेट बनाने के काम में आता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ो तो यहाँ पर देखिए डिजाइन रखी हुई है, ये देखिए तरह तरह की डिजाइन है, स्टेप मतलब जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए ये कई तरह के डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन है, देखिए तरह तरह के पिलर्स, तरह तरह की डिजाइन है। इसमें जैसे पिलर दोस्तों कई तरह की हैं, ये देखिए ये जैसे नॉर्मली पिलर है, और ये देखिए ये हैवी पिलर है, जैसे ज़्यादा महंगा मिलता है, ये करीब करीब आपका जैसे कि 2000, 2500, 3000 तक के भी पिलर जैसे मिलते हैं यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ देखिए ये तमाम तरह की डिजाइने हैं जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ब्रेसलेट है, डिजाइने हैं, और जैसे नीचे ये देखिए आपका जैसा फाइबर का चादर है, और यहाँ पर देखिए पिलर्स हैं, ये देखिए ये सब पिलर है, और ये देखिए चौकोर ब्रेसलेट है जो कि स्टील के काम में यूज होता है, ये जैसे गोल भी आता है और चौकोर भी आता है, और ये देखिए रिंग है, गोल मोड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये तरह तरह के पिलर रखे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए महंगे से महंगे पिलर, सस्ते से सस्ते पिलर, ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर ये सब डिजाइने हैं आप लोगों को जो नज़र आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये इसमें जैसे कई तरह के कंचे रखे हुए हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मुंह बंद है, मतलब ये जो कंचा है ये मुंह बंद है, मतलब इसका एक ओर से मुंह बंद रहता है और एक ओर से जैसे कि खुला रहता है, तो इसे 1.25 इंची के पाइप में डाल करके जैसे इसे लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए इसे आर पार बोला जाता है क्योंकि ये दोनों ओर का मुंह खुला रहता है, ये 1.25 इंची के पाइप में डाला जाता है जो कि जैसे डिजाइन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी कई तरह के बेज हैं, मतलब ये थोड़ा अंदर रखा हुआ है, और ये देखिए पिलर का लट्टू है, मतलब ये लट्टू है दोस्तों जो कि पिलर जब लगता है तो उसके ऊपर मुंड पर लगता है, ये जैसे अलग से रहता है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जैसे बाद में सेटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए तरह तरह के जैसे कि कंचे उसमें रखे हुए हैं, इसमें आपका वेल्डिंग रॉड हो गया, आपका जैसे कई तरह के कंचे हो गए, इसके बाद जैसे बूस हो गया, देखिए एक गेट का बूस रखा हुआ है स्टील का, और इसके बाद यहाँ तरह तरह के मेट हैं, पेपर हैं जैसे फिनिशिंग मारने के लिए, और तरह तरह की भीले हैं, और जिसे जिसे स्टील का काम किया जाता है तो फिनिशिंग मारा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लाल मेट है, सफ़ेद भील है, इसके बाद जैसे बफिंग भील है, मतलब यहाँ पर देखिए सुफरान राड है, और इसके बाद देखिए इधर जैसे छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं, यहाँ पर भी देखिए लट्टू रखा हुआ है, जैसे पिलर का ही लट्टू है ये रखा हुआ है। इसके बाद जैसे कि नीचे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ, ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया, जैसे ये सब यहाँ पर देखिए नीचे हरा साबुन भी रखा हुआ है, यहाँ पर ये तरह तरह के पिलर्स ये सब हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा।